अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे फेसबुक पे पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी आईडी ओपन कर लेनी है और लेफ्ट साइड पे आपको एक इंटरफेस शो हो रहा होगा, उसको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे पेजेस का एक ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप अपने सेलफोन से बना रहे हैं तो आपको राइट साइड पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर छोटी सी एक राउंड दायरे में शो होगी, उस पर आपने क्लिक करना है और उसका एक इंटरफेस ओपन होगा। वहाँ पे सेम इसी तरह पेजेस का एक ऑप्शन आएगा, उसे आपने क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे हम आएंगे क्रिएट न्यू पेज पे। यहाँ पे हम पेज नेम देंगे, यहाँ पे आपने पेज नेम देना है। फिर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने बायो लिखनी है और बायो मैंने चैट जीपीटी से क्रिएट करवाई है। आप देखिए जैसे जैसे मैं अपनी लेफ्ट साइड पे लिख रही हूँ तो यहाँ पे सामने सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पेज नेम, उसके बाद कैटेगरी और उसके बाद बायो हमने अपने लिखी है, ठीक है। और क्रिएट पेज पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपने अपनी वेबसाइट देनी है। अगर आपकी वेबसाइट है तो ठीक है, ये वैसे ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपने यहाँ अपना फ़ोन नंबर देना है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे जो आपकी कंट्री है और यहाँ एक फ़ोन नंबर पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है। देन इसके बाद हमने अपना एड्रेस पुट करना है। आप नीचे आते हैं तो पोस्टल कोड वो मांग रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपना पोस्टल कोड पुट कर दें। देन इसके बाद ना एक ऑप्शन आ रहा है आवर्स का, तो आप ऑलवेज ओपन पे अगर आप 24 आवर्स जो है ना वो अवेलेबल हैं तो आप उस पर रख सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ और सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे हम अगर किसी स्कूल का या किसी रेस्टोरेंट का पेज रन कर रहे हैं तो उनका स्पेसिफिक टाइम होता है 9 to 5 जैसे, या किसी ऑफिस का, तो आप वो सेलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 9 आवर्स फ़िलहाल रखूँगी, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। इसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। साथ कवर फोटो, अब नीचे हमारा एक ऑप्शन आ रहा है ऐड बटन का, ठीक है, इसे हम क्लिक करते हैं। तो अगर तो आपने कोई अपना स्टोर वगैरह ओपन किया है तो आप यहाँ बुक नाउ या ऑर्डर नाउ इस तरह या व्यू शॉप का कर सकते हैं। और नीचे अगर वो कह रहे हैं कि गेट पीपल टू कॉन्टेक्ट यू, तो आप व्हाट्सएप नंबर अगर आपने दिया तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको कॉल भी लोग कर सकते हैं, ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। और हम यहाँ पे मैसेंजर ही रहने देंगे, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी ओपन कर लें। और अगर आपने आपकी वेबसाइट ऐसी है जो कनेक्टेड है आपकी यूट्यूब के साथ, तो आप यहाँ से वॉच नाउ का ऑप्शन भी ऑन कर सकते हैं, या बाय नाउ, प्ले गेम, या जिस तरह की आपकी कैटेगरी आप उस हिसाब से ये कर सकते हैं। तो सेंड मैसेज पे करेंगे हम और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद वो कह रहे हैं कि आप अपना फ़ोन नंबर पुट करें। तो अगर आप
ये ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्जी है तो आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भी पुट कर सकते हैं। यहाँ आपने पहले अपना एरिया, अपनी सॉरी ये कंट्री का लगाना है और देन उसके बाद अपना फ़ोन नंबर पुट करना है। तो मैं यहाँ पे स्किप कर दूँगी नेक्स्ट। तो ये दोनों में ऑन रहने दूँगी ऑप्शन। तो सिंपली एक इस तरह मेरा प्रोफेशनल फेसबुक पेज क्रिएट हो चुका है, लोडिंग हो रही है। तो ये चेक करें, ये मेरा पेज क्रिएट हो चुका है। ये इसका लोगो है और ये इसका कवर पेज है। और ये यहाँ से आप आकर अगर आपकी बायो में कोई चेंजिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हो एडिट पे जाके। यहाँ पे आप, मैंने जो अपनी जीमेल लगाई है और मैंने जो अपनी वेबसाइट लगाई है वो भी शो हो रही है। और फिर ये मेरा एरिया भी शो हो रहा है, पेज आपका किसके रिलेटेड है आप वो भी शो हो रहा है, जो जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो भी शो हो रही हैं। और यहाँ पे नीचे भी आप अपनी हॉबीज ऐड कर सकते हो, फीचर पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, और अगर आपने अपनी इसको डिटेल को एडिट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, अगर आपने इसमें कोई चेंजिंग करनी है। तो ये देखें, ये मेरा सिंपली एक फेसबुक पेज क्रिएट हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन है नीचे, यहाँ पे मैं रील्स अपलोड कर सकती हूँ, वीडियोस अपलोड कर सकती हूँ और लाइव वीडियो भी कर सकती हूँ। यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो हो रहा है, इनसाइट्स ऐड और क्रिएट ऐड और ये सब कुछ शो हो रहा है, ठीक है। तो आज हमने सीखा है कि फेसबुक पे पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।